यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होनी है और कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होनी है। हालांकि सीएम अभी गेहूं की खरीद की जो एजेंसियां हैं उनके अधिकारियों के साथ बैठक कर रखी है। उस बैठक के बाद किसी भी वक्त सीएम आवास पर हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक हो सकती है। तो सीएम की मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक होनी है तमाम बिंदुओं को लेकर, जिसमें डायल सो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जिसकी समीक्षा की जा सकती है, जिसके विश्लेषण और चर्चा जिस पर संभव है। चल एक बार फिर से इस खबर पर जानकारी लेने की कोशिशें करेंगे। साथ ही जो बैठक फिलहाल जारी है गेहूं खरीद की एजेंसियों को लेकर, उस पर भी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। कुमार रमेश, जो बैठक शुरू हो चुकी है सचिवालय में, उसको लेकर जानकारी क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में दरअसल जो गेहूं की खरीद की जा रही है, उस गेहूं की खरीद में जो बारदाने की कमी और भी जो समस्याएं हैं उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक हो रही है। जाहिर तौर पर जो 7 लाख राज्यों में जो भी गेहूं की सप्लाई हो रही थी उसको कहीं ना कहीं हरियाणा प्रशासन से रोक लगाना चाहता है उनको। ये साफ तौर पर जो हरियाणा के किसानों को प्राथमिकता देने के लिए बैठक हो रही है। अमूमन शिकायतें आई कि मुख्यमंत्री के पास की कई लोगों ने बगल दूसरे प्रदेशों से गेहूं ला करके यहाँ भरने की जो जरूरत है, तो दरअसल इसीलिए इन चीजों को लेकर के बैठक हो रही है। और माना जा रहा है कि इस बैठक में काफी कुछ कड़े निर्णय लिए जाएंगे। अब तक प्रशासन ने बड़े इंतजाम किए हैं और इसीलिए आज इस बैठक का जो है एजेंडा रखा गया है। रमेश, सीएम की ओर से ये भी कहा गया कि दूसरे राज्यों के अगर किसान गेहूं बेचने आएंगे तो उनको इनकार नहीं किया जाएगा, सिर्फ व्यापारियों को इनकार किया जाएगा, तो यहाँ प्राथमिकता को लेकर सवाल जरूर उठेगा हरियाणा के किसानों के। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल साफ किया था कि हरियाणा किसान की हर एक फसल को वो खरीदेंगे और यही जो योजना थी उसी के तहत जो सरसों की खरीद भी की गई थी, इस बार गेहूं की खरीद का जो एक पैमाना रखा गया कि जो है 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी जाएगी, उसमें 70 के करीब जो है आंकड़े दे दिए गए कि 70 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद ली गई है। जो बाकी 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बात है उसके लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है और उसमें हरियाणा के किसानों को प्राथमिकता है सबसे पहले, क्योंकि उन्हीं का ही गेहूं खरीदेगी। तो इस प्रकार के सभी इंतजाम पूरे किए हैं। रामनिवास जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने इस प्रकार की जानकारी दी है कि नाके पर जो है कड़ी व्यवस्था की गई है कि दूसरे प्रदेशों दूसरे राज्यों से जो है कोई भी गेहूं ना पाए, इसके लिए जो है उन्होंने सख्त हिदायतें दी है और काफी कुछ कार्रवाई भी की है कि ताकि जो है हरियाणा के किसानों को प्राथमिकता मिले, सबसे पहले उनका गेहूं खरीदा जाए, इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन भी दिया है। ठीक है रमेश। साथ ही जो अनौपचारिक बैठक होनी है कैबिनेट की, उसमें किन मसलों पर चर्चा संभव है? देखिए, हरियाणा मंत्रिमंडल की जो अनौपचारिक बैठक होती है उसमें सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठ करके चर्चा करते हैं। कई विषय होते हैं उसमें, हरियाणा के विकास के मुद्दे हो गए और भी जो आगामी जो कार्यक्रम है उनको लेकर के। जैसा कि पूर्व में आपको याद होगा कि पिछली बैठक में कहा गया था कि अंबेडकर जयंती हर जगह मनाई जाए और उसमें मैक्सिमम जो है पार्टिसिपेशन हो वो मंत्रियों का हो, तो इस प्रकार की बातें ऐसे ही आज की बैठक में भी माना जा रहा है कि कुछ नए निर्णय लिए जाएंगे ताकि जो है कहीं ना कहीं हरियाणा की जनहित को लाभ मिल सके। इस प्रकार की बैठक में ऐसे फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका ही दोनों ही खबरों पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएम ने बैठक बुलाई है, इससे पहले की जानकारी हमने आपको दी। हरियाणा सचिवालय में खरीद एजेंसियों के साथ बैठक जारी है और कुछ ही देर में हरियाणा कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक होनी है। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कई बड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा किया जाना संभव है। तो बड़ी खबर दी आपको चंडीगढ़ से।